मॉडरेटर हैं, ट्रेन में हैं, नहीं ज्वाइन कर पाए हैं। हम लोग आज का मीटिंग को ये शुरू करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। और हम लोग मीटिंग शुरू करने के पहले एक मिनट का हम लोग प्रेयर करेंगे, साइलेंट प्रेयर करेंगे, उसके बाद हम मीटिंग फिर चालू करेंगे। धन्यवाद। तो अंतरराष्ट्रीय फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी के विकास के लिए ये जो संस्था है, हम लोगों का निरंतर इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं कि हम लोग आपको एक नए मेहमान के साथ में, नए मैसेज के साथ में होम्योपैथी का, और खास करके हम लोगों का श्रेय है क्लासिकल होम्योपैथी, इसके डेप्थ को आप लोगों के सामने में प्रस्तुत करना। और इसी क्रम में आज हमारे मेहमान हैं एक बहुत ही युवा पीढ़ी के डॉक्टर वैद्य कुमारी गुप्ता। डॉक्टर वैद्य कुमारी गुप्ता आरबीटीएस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से इन्होंने पीजी किया है होम्योपैथी में, और अभी वर्तमान में ये आपको गया होम्योपैथिक आरबी सिंह राम बालक सिंह गया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के में ये असिस्टेंट प्रोफेसर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन विभाग में काम कर रही हैं। इनके लेख को मैं देख रहा था, इस टॉपिक पर यार ये प्रेजेंट करने जा रही हैं, ये होम्योपैथिक 360 में यह लेख प्रकाशित भी हो चुका है। मैं समझता हूँ कि वैद्य जी को याद होगा शायद यह लेख उन्होंने प्रकाशित किया था। तो और इनका आज का विषय बड़ा इन्होंने अच्छा विषय लिया है, सीक्रेट ऑफ पीरियोडिक टेबल। हम लोग सभी जानते हैं पीरियोडिक टेबल में 108 एलिमेंट्स हैं, और उस बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके की होम्योपैथिक दवाइयाँ बनी हुई हैं, और उनका क्रम जो है तो को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग मेडिसिन का अध्ययन करते हैं तो मेडिसिन के अध्ययन में समझने में कुछ सहूलियत होता है। तो इसी विषय को लेकर के वैद्य जी आई हैं, और मैं वैद्य जी का स्वागत करता हूँ इस मंच पर, और मैं इनसे आग्रह करता हूँ कि आप अपना प्रेजेंटेशन को शुरू कीजिए। अगर आपको पीपीटी अपलोड करना है तो आप कर लीजिए, क्योंकि आपको कोहोस्ट बना दिया गया है। थैंक यू सर। ओवर टू यू डॉक्टर वैद्य गुप्ता। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सच अ वार्म वेलकम, एंड थैंक यू IFPH ऐसा मंच देने के लिए जहाँ के हम अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर सके। मेरा स्क्रीन विजिबल है? हाँ, विजिबल है, आपका विजिबल है, बहुत अच्छा है। ओके, सो सीक्रेट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल इन होम्योपैथी। इंट्रोडक्शन। अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ अ रेमेडी इज बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर। यानी किसी भी रेमेडी का, यानी कि कोई भी जो एलिमेंट है, फिजिको केमिकल लैंग्वेज ऑफ एलिमेंट वही रिफ्लेक्ट करता है एज क्लिनिकल लैंग्वेज ऑफ मेडिसिन। यानी जो एलिमेंट है, एलिमेंट का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो उसका केमिकल प्रॉपर्टी है, वही फिर एज अ क्लिनिकल लैंग्वेज दिखता है पेशेंट में। पीरियोडिक टेबल, इसमें टोटल 7 रो होते हैं जिसको कि सीरीज भी कहते हैं। जो रो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो कॉलम है 18 कॉलम होता है, जो वर्टिकल लाइन है दैट इज़ कॉलम, और उसी को ग्रुप भी बोलते हैं। तो 7 सीरीज करिस्पॉन्ड्स टू 7 थीम। 7 अलग अलग जो सीरीज है यानी रो है, वो 7 अलग अलग थीम को रिफ्लेक्ट करता है, एंड 18 कॉलम्स करिस्पॉन्ड
टू 18 स्टेजेस, 18 कॉलम जो है वो लाइफ के अलग अलग स्टेजेस को, फ्रॉम बर्थ टू गेटिंग सक्सेस फिर ओल्ड एज, ये सारे स्टेजेस को रिफ्लेक्ट करता है। जहाँ पे कॉलम एंड सीरीज दोनों इंटरसेक्ट होगा, दैट इज़ द एलिमेंट। और उस एलिमेंट में कॉलम का भी फीचर रहेगा और रो का भी फीचर रहेगा। यानी जो कॉलम का स्टेज है वो भी रिफ्लेक्ट होगा एंड जो रो का जो थीम है वो आएगा। तो सेवन रो, रो वन इज अबाउट कंसेप्शन एंड एग्जिस्टेंस। जो रो वन है उसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम है, दोनों का एटॉमिक नंबर बहुत कम है, हाइड्रोजन का 1 है एंड हीलियम का 2 है। तो उसमें एक डिलेमा रहता है वेदर दे रियली एग्जिस्ट और नॉट, उसमें वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। और अगर एज वाइज देखा जाए तो ये एज रिफ्लेक्ट करता है टू बॉर्न और नॉट, यानी वो अभी बॉर्न किया भी है या नहीं, ये है रो वन। रो टू इज़ अबाउट फीटल लाइफ एंड द बर्थ प्रोसेस, यानी कि स्टार्टिंग में फीटस जो होता है वो मदर के उम्ब में रहता है, वहाँ से वो धीरे धीरे डेवलप होता है। फिर एक फेज ऐसा आता है जब वो प्लासेंटा अपने मदर से अलग होता है, प्लासेंटा सेपरेट होता है, फीटस सेपरेट होता है, फिर वो आउटर वर्ल्ड में आता है, आउटर वर्ल्ड में सांस लेता है, फिर वहाँ एग्जिस्ट करता है, वहाँ अपने लाइफ से कोप अप करता है, दैट इज़ इन्फेंट फेज। फिर रो थ्री, दैट इज़ अबाउट आइडेंटिटी एंड नरिशमेंट। आफ्टर गेटिंग बर्थ वो नरिशमेंट मिलता है उसको अपनी मदर से, एंड अबाउट आइडेंटिटी, वो धीरे धीरे चीज़ों को पहचानना शुरू करता है, अपना एक पहचान बनाना शुरू करता है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है टू द एज चाइल्ड और टॉडलर। रो फोर इज अबाउट सिक्योरिटी एंड टास्क। आफ्टर गेटिंग आइडेंटिटी अब उसको लाइफ में थोड़ा सिक्योरिटी चाहिए, वो सिक्योरिटी किसी भी तरह का हो सकता है, वो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन वाइज हो सकता है, वो सिक्योरिटी फाइनेंशियल वाइज हो सकता है। तो ये एज जो है वो टीनेज है, टीनेज लाइफ में हम लोग को बहुत कुछ चाहिए होता है, हम लाइफ में ये भी करना चाहते हैं, लाइफ में वो भी करना चाहते हैं। रो फाइव इज़ अबाउट क्रिएटिविटी एंड परफॉर्मेंस। आफ्टर गेटिंग दैट सिक्योरिटी हम अपने उस जो काम कर रहे हैं उसको थोड़ा क्रिएटिव ढंग से करना चाहते हैं, ताकि लाइफ में और सक्सेस मिले, अपने पोस्ट पे ऊपर जाएं, उसको और बेटर परफॉर्म करना चाहते हैं, ये एडल्ट फेज है। रो सिक्स इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आफ्टर जब जॉब मिल गया अब लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मिडिल एज को रिफ्लेक्ट करता है, तो वहाँ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वाइफ की, बच्चों की, ओल्ड पेरेंट्स की, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है द मिडिल एज। एंड रो सेवन इज़ लेटिंग गो, लेटिंग गो, डिसइंटीग्रेशन, ओल्ड एज, तो ये ओल्ड एज को रिफ्लेक्ट करता है। सो बेसिकली रो वन से सेवन की तरफ जब जाते हैं तो ये बर्थ से ओल्ड एज एंड देन डेथ की तरफ आता है। बट व्हेन आई से कि रो सिक्स में मिडिल एज है एंड रो फोर में टीनेज है, इट डजेंट मीन कि सिर्फ टीनेजर्स को रो फोर का मेडिसिन देंगे एंड रो सिक्स में सिर्फ मिडिल एज वालों को मेडिसिन देंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि रो टू में है बेटा ग्रुप, बोरोन, बेटा ग्रुप ओल्ड एज के लिए भी देते हैं, क्योंकि वो मेंटली चाइल्ड के जैसा बिहेव करता है, इसलिए वो मेंटली कैसा है, उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देते हैं। नाउ कॉलम्स, 18 कॉलम है, तो जो सबसे लेफ्ट में है ये रो टू का ऐसे रिप्रेजेंटेशन है, लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ जाते हैं, ग्रुप 18 तक जाते हैं, वहाँ नियॉन है, उसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन है 1s2 2s1 एंड नियॉन का है 1s2 2s2 2p6। तो लिथियम एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, स्टेबल होने के लिए, जबकि नियॉन के पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, उसको कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए लिथियम जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है दूसरों पर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जबकि नियॉन जो है वो इनडिपेंडेंट है। लिथियम दे इज अ फीलिंग ऑफ लैकिंग, क्योंकि अभी उसको लाइफ में बहुत कुछ करना है, उसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जबकि नियॉन में वो सारा फेज उसका आ चुका है, वो सबसे क्रॉस कर चुका है, दैट्स वाई दे आर कंटेंट एंड सेटिस्फाइड। वैलेंसी देखा जाए तो जो कॉलम 1 है उसमें +1 होता है, कॉलम 2 में +2 होता है, बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट है तो इसमें वेरिएबल होता है, फिर ये धीरे धीरे करके बढ़ता है, फिर धीरे धीरे करके घटता है, जैसे कि +3, उसके बाद फिर -4 है, -3, -2, -1 एंड 18 ग्रुप में 0। दे डू नॉट फॉर्म एनी आयन, क्योंकि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करता है। बाद में ज़ीनॉन क्लोरीन फ्लोरीन से रिएक्ट करता भी है, अदरवाइज बाकी नहीं करते हैं, तो वो 0 है, वैलेंसी 0 है।
तो ज़्यादा उतना अटैचमेंट नहीं होता, वो थोड़े न्यूट्रल टाइप के होते हैं। तो वैलेंसी वाइज देखा जाए तो धीरे धीरे ऊपर जाता है, वैसे ही धीरे धीरे फिर नीचे आ रहा है। जो ऊपर जा रहा है, जो बच्चा मरून शर्ट में है वो ऊपर जा रहा है, उसमें होप है, वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा टू गेट द सक्सेस। तो जो सक्सेस का कॉलम है दैट इज़ कॉलम 10, 10 में सक्सेस है। तो जो ऊपर जा रहा है वो सक्सेस है, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो नीचे आ रहा है, उसी सक्सेस को मेंटेन करने का कोशिश करता है अपने लाइफ में, और वैलेंसी धीरे धीरे घटते जाता है। कॉलम 1 से 18 अगर रेंज का बात करें तो कॉलम 1 इज़ अबाउट रेमेडीज इन द कॉलम ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, जो पर्पल कलर का इंडिकेटेड है, ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट फील्स देम सेल्फ इनकेपेबल ऑफ सक्सेस, क्योंकि आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको लगता है कि उसको सक्सेस नहीं मिलेगा, वो अपने आप को इनकेपेबल फील करेगा, बहुत ज़्यादा दूसरे पर डिपेंडेंट रहेगा फॉर सक्सेस। रो 2 से रो 9 की तरफ जाएंगे, फ्रॉम द लेफ्ट टू द मिडल दे आर ट्राइंग फॉर सक्सेस, वो धीरे धीरे अपने आप कोशिश करता है सक्सेस मिलने का, धीरे धीरे वो अपने आप को ट्रेन करता है, प्रिपेयर करता है ताकि सक्सेस मिले। कॉलम 10 में अल्टीमेटली उसको सक्सेस मिलता है, दे आर सक्सेसफुल। फिर फर्दर कॉलम 11 में जाएंगे, दे आर मेंटेनिंग सक्सेस, जो सक्सेस मिला है उसको मेंटेन करना चाहेगा। फिर कॉलम 12 से 18, 12 टुवर्ड्स द एक्सट्रीम राइट, दे आर फेलिंग एंड गिविंग अप सक्सेस। एक सर्टेन टाइम आएगा जब वो सक्सेस को होल्ड नहीं कर पाएगा, और धीरे 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 करते करते वो कॉलम 18 तक जाएगा। अगर एक एक कॉलम का बात करें तो ये अलग अलग स्टेजेस है। कॉलम 1 इज़ टू बिगिन, इनिशियल फेज है, आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको भी बहुत कुछ करना है कॉलम 18 तक जाने के लिए, तो ये बिगनिंग है और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है किसी पर। कॉलम 2 इज़ नीड सपोर्ट, वो डिपेंडेंट नहीं है बट उसको सपोर्ट चाहिए। कॉलम 3 इज़ डाउट देयर कैपेसिटी, कॉलम 3 में है, उसको अपने कैपेसिटी पर डाउट है कि वो सक्सेस उसको वो मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, उसमें इतना कैपेसिटी है भी नहीं या नहीं है। कॉलम 4 इस्टेब्लिश्ड है कि हाँ उसको सक्सेस मिलेगा बट उसके लिए उसको थोड़ा प्रिपेयर होना पड़ेगा। कॉलम 5 इज़ टू प्रिपेयर, कि वो किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करता है। कॉलम 6 इज़ टू प्रूफ, आफ्टर प्रिपरेशन वो अपने आप को प्रूफ करना चाहेगा उस स्किल में, उस जॉब में, अगर फैमिली है तो रिलेशंस में। कॉलम 7 इज़ टू ट्रेन, वो अपने आप को और ट्रेन करेगा और रिफाइन करेगा। कॉलम 8 इज़ टू वांट फाइट, अब वो उसको लगता है कि वो प्रिपेयर है और वो सिचुएशन से फाइट करना चाहेगा टू गेट द सक्सेस। कॉलम 9 नियर परफेक्शन, वो क्योंकि 10 सक्सेस है, 9 जो है वो अबाउट टू गेट सक्सेस है, तो वो लगभग परफेक्शन तक आ चुका है, इसलिए उसमें थोड़ा सा एंजाइटी रहेगा कि हम कुछ गलती नहीं कर दें वरना उसको सक्सेस नहीं मिलेगा। कॉलम 10 इज़ अबाउट परफेक्शन, कॉलम यानी कि जो सक्सेस मिलेगा। कॉलम 11 इज़ टू मेंटेन दैट सक्सेस। कॉलम 12 इज़ टू डिफेंड द सक्सेस, कि कोई उसका जो जॉब है, उसका जो वैल्यू है उसके फैमिली में, वो कोई और ना छीन ले, इसलिए वो अपने आप को डिफेंड करेगा। कॉलम 13 इज़ अबाउट कन्फ्यूज़न, कि जो सक्सेस उसको मिला है वो उसको जाने दे, क्योंकि वो ऑलरेडी जा रहा है, उसको जाने दे या फिर उस चीज़ के लिए उसको होल्ड करके रखें। कॉलम 14 इज़ गिव अप एंड एक्सेप्ट द चेंजेस, कॉलम 14 कार्बन ग्रुप, वो उस चीज़ को गिव अप कर देगा, अब जो चेंजेस आया है सो आया है, उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा। कॉलम 15 दे सेंसेशन ऑफ लॉस, नाइट्रोजन ग्रुप है। कॉलम 16 ऑक्सीजन ग्रुप, इसमें मेमोरी है, सक्सेस चला गया, द ओनली थिंग रिमेन इज़ द मेमोरी, द रेमनेंट्स। कॉलम 17 इज नियरली कंप्लीट, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, टू बी कंटेंट। एंड कॉलम 18 इज कंप्लीट, हम फर्दर रो वाइज मेडिसिन को एक्सप्लेन करेंगे। अगर क्लोज रिलेशन देखें तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। कॉलम 1 है टोटली डिपेंडेंट, व्हेन आई से डिपेंडेंट इट इज़ लाइक कोई एक चाइल्ड है जो कि अपने मदर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है टू गेट द न्यूट्रिशन, या फिर उसको स्कूल जाना है तो अपने मदर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, घर पे उसको रहना है तो अपने मदर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, या फिर कोई वाइफ है जो फाइनेंशियली अपने हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, कोई हस्बैंड अपने वाइफ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है हाउस होल्ड कोर्स के लिए, सजेशन के लिए, इमोशनल अटैचमेंट के लिए, या फिर कोई ओल्ड लेडी है जो कि अपने बेटे पे डिपेंडेंट है फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल, तो ये डिपेंडेंस किसी का भी हो सकता है। सो आई यूज़ द वर्ड मदर और मदर लाइक स्ट्रक्चर, इसमें कोई भी हो सकता है, स्पाउस भी हो सकता है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप स्टेटस भी हो सकता है। कॉलम 2 इज़ नीड गाइडेंस, दे आर वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है बट उन लोग को गाइडेंस चाहिए, इफ़ अगर हम फेल करने लगे तो भाग के आएगा कि हाँ भाई मेरे से नहीं संभल रहा है,
हमको गाइडेंस चाहिए या फिर एक बैकअप प्लान चाहिए कि अगर हम कहीं पे फेल करते हैं तो आप हमको हेल्प करो। कॉलम थ्री, लिटिल इंडिपेंडेंट बट स्टिल वॉन्ट केयर एंड अफेक्शन। कॉलम थ्री में उसको केयर और अफेक्शन चाहिए क्योंकि धीरे धीरे जो फीटस है वो अपने मदर से अलग होने वाले फेज में, तो इसलिए उसको ज़्यादा केयर और अफेक्शन चाहिए। उसी तरह से क्वाइट सिमिलर है कॉलम नाइन एंड कॉलम टेन। कॉलम नाइन इज़ नियर परफेक्शन एंड कॉलम टेन इज़ परफेक्शन, दैट इज़ सक्सेस। तो नाइन में परफेक्शन के बहुत नज़दीक है तो इसमें एंजाइटी थोड़ा ज़्यादा रहेगा, एंड कॉलम टेन जो है वो परफेक्शन है, दैट इज़ सक्सेस है, उसको सक्सेस मिल गया है, वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझेगा, जैसे कि इसमें प्लैटिना है। कॉलम 17, कॉलम 18 इसी तरह से है। कॉलम 17 नियरली कम्प्लीट है, कॉलम 18 कम्प्लीट है। कॉलम 17 जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहेगा, ये सारी चीज़ों से इंडिपेंडेंट होना चाहेगा, और 18 जो है वो इंडिपेंडेंट है। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन है 1s2 2s2 2p5, तो आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। एंड नियॉन में 2s2 2p6, तो आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो उसको एक इलेक्ट्रॉन 17 को और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हॉट हाइपर एक्टिव होगा, और ताकि उसका जो ऑक्टेट है वो कम्प्लीट हो। रोज, आई विल एक्सप्लेन द रोज, दोज 7 रोज, और साथ ही साथ में रो के अकॉर्डिंग हम कॉलम भी डिस्कस करते जाएंगे। रो 1, डू आई एग्जिस्ट और नॉट। तो हाइड्रोजन और हीलियम दो एलिमेंट है, तो एक का एटॉमिक नंबर 1, एक का नंबर 2, तो ये बहुत छोटा है, बाकी एलिमेंट्स को अगर पीरियोडिक टेबल में देखा जाए उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, इसलिए देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अननोटिस्ड, कि लोग हमको नोटिस करते भी हैं या नहीं करते हैं, तो अननोटिस्ड का फीलिंग होगा। वेरी लेस एटॉमिक नंबर, सो नो ईगो, नाइव, सिंपल। एटॉमिक नंबर बहुत छोटा है, बहुत कम है, इसलिए उन लोगों में ईगो नहीं होता है, बहुत सिंपल होते हैं। हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम यही दोनों हैं रो 1 में। हाइड्रोजन कॉलम 1 का है और हीलियम कॉलम 18 का है। ऊपर येलो कलर में लाइनिंग है फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस कि कौन से रो में कौन सा है, कौन से कॉलम में कौन सा है। तो रो 1 इज अबाउट एग्जिस्टेंस, तो ये दोनों में एग्जिस्टेंस है। 1 जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहेगा। जबकि हीलियम में आउटर इलेक्ट्रॉन में दो आउटर शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, सो दे फील्स हैप्पी इन द उम्ब एंड डजेंट वॉन्ट टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड आउटसाइड। वो जहाँ है बहुत सही है, उसको बाहर अब आने का वो नहीं चाहता है। कंप्लीट रिपर्टरी में रूब्रिक है डेल्यूजन इमेजिनेशन स्मॉलर ही इज। इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्रूव्ड मेडिसिन है। आई एम नथिंग, आई एम स्मॉल, ये फीलिंग रहेगा हाइड्रोजन का। इज़ देयर एनी वैल्यू ऑफ माइंड, मेरा कोई वैल्यू है, मेरे घर में मेरा कोई वैल्यू है, मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई वैल्यू है, उसको ये चीज़ का डिल्यूजन रहेगा कि कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसको उतना वेटेज नहीं देते हैं। एक और है डिल्यूजन इमेजिनेशन डिमिनिश्ड, उसको लगता है कि लोग उसको नोटिस नहीं करते हैं, वो बहुत छोटा है, डिमिनिश्ड है, उसमें भी हाइड्रोजन है। नो वन इवन नोटिसेज मी, कोई उसे नोटिस नहीं करता, ऐसा रो 1 में है। आई एम स्मॉल हाइड्रोजन में भी है, बैटा का में भी है। हाइड्रोजन में है आई एम स्मॉल, पीपल कांट सी आई एम देयर, इवन आई एम एग्जिस्टिंग और नॉट, नो वन लुक्स एट मी, कोई मेरी तरफ देख नहीं रहा है, कोई हमको नोटिस नहीं करता है, ये फीलिंग हाइड्रोजन का है। जबकि बैटा काब का है आई एम स्मॉल एंड पीपल आर लाफिंग एट मी, तो बैटा काब को फील होता है कि वो बहुत छोटा है और लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं। कॉलम वाइज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो सारे में डिपेंडेंस है, बट जैसा कि अलग अलग थीम है क्योंकि सारे अलग अलग रो के हैं, तो उसमें डिपेंडेंस में अलग अलग चीज़ों का होगा। हाइड्रोजन में डिपेंडेंस फॉर एग्जिस्टेंस है, लिथियम में डिपेंडेंस फॉर सर्वाइवल है, क्योंकि जो रो 2 है वो अटैचमेंट से रिलेटेड है, अपने मदर से रिलेटेड है, तो लिथियम अपने मदर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है फॉर सर्वाइवल। सोडियम डिपेंडेंट फॉर आइडेंटिटी, सोडियम अपने आइडेंटिटी के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है दैट मदर लाइक स्ट्रक्चर पे। पोटेशियम इज़ डिपेंडेंट फॉर सिक्योरिटी, जैसे कोई वाइफ अपने हस्बैंड पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है फाइनेंशियल हेल्प के लिए, तो वो डिपेंडेंट फॉर सिक्योरिटी है कम्प्लीटली। रुबिडियम डिपेंडेंट फॉर क्रिएटिविटी, कोई बॉस है, उसका कोई एम्प्लॉई है, अगर वो ऑफिस नहीं आया तो उसका जो प्रेजेंटेशन है वो कौन करेगा, तो वो बहुत ज़्यादा उस एम्प्लॉय पर डिपेंडेंट है कि अगर वो है तो काम होगा, अगर उसका ट्रांसफ़र हो गया तो मेरा काम कैसे होगा। दैट इज़ डिपेंडेंट फॉर क्रिएटिविटी परफॉर्मेंस। सीजियम डिपेंडेंट फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ले सकता है, वो किसी पर डिपेंडेंट रहेगा फॉर द सेक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
रो टू इज अबाउट अटैचमेंट, विथ समबडीज हेल्प आई कैन डू समथिंग. रो वन था वो किसी खुद से कुछ नहीं कर सकता. रो टू में है कि हम खुद से कुछ कर सकते हैं बट एक बैकअप प्लान चाहिए, अगर किसी का हेल्प मिल जाए तो हम कर सकते हैं. इट इज़ लाइक अ टेम्पररी टेंट कि हाँ साथ में कोई एज अ बैकअप प्लान रहे. सो बैकअप फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लिंगिंग, बहुत ज़्यादा अपने मदर से या फिर किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा वो अटैच्ड रहेगा, मदर और मदर लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है. और धीरे धीरे जब मेडिसिन रो टू आगे की तरफ बढ़ेगा तो जो फीटस है वो मदर से अलग होगा, दैट्स वाई दिस फियर ऑफ सेपरेशन, तो उसमें फियर ऑफ सेपरेशन भी होगा. सो रो वन टोटली डिपेंडेंट, रो टू इज अटैच्ड. रो टू लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, तो सारे में अटैचमेंट है बट अलग अलग तरह का है. लिथियम, ये जब कॉलम अलग अलग हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग लिथियम में अटैचमेंट है, अटैचमेंट के कारण वो टोटली डिपेंडेंट है अपने मदर पे. बेरिलियम विथ समवन आई कैन डू बट ऑन माई ओन आई कांट, किसी के साथ हम कोई चीज़ कर सकते हैं खुद से नहीं कर सकते हैं. बोरोन फियर ऑफ सेपरेशन क्लिंगिंग टू मदर, बोरोन में सेपरेशन से उसको बहुत डर लगेगा इसलिए अपने मदर को क्लिंग करके रहेगा. मेडिसिन में है भी बोरेक्स में इस तरह से. कार्बन हाउ विल आई मैनेज एंड हाउ विल आई डू इट माई ओन, अगर हम अपने मदर से अलग होते हैं तो हम चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, खुद से सारा चीज़ कैसे करेंगे, ये कार्बन में है. नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फील्स ट्रैप्ड एंड वॉन्ट्स टू बी सेपरेटेड, नाइट्रोजन जब वो ट्रैप्ड फीलिंग फील करेगा क्योंकि अब उसको मदर से अलग होना है तो नाउ ही वॉन्ट्स टू बी सेपरेटेड. ऑक्सीजन ऑलरेडी इन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड वॉन्ट टू ब्रीद, ऑक्सीजन एलिमेंट ही है ब्रीदिंग के लिए रेस्पिरेटरी में, तो इसमें गैस्पिंग ऑफ एयर होता है. सो ऑलरेडी आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड में है और वो अब ब्रीद करना चाहेगा आउटसाइड वर्ल्ड में. फ्लोरीन वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, इसमें इंडिपेंडेंस का फीलिंग बहुत ज़्यादा रहेगा 17 ग्रुप में. एंड 18 कंटेंट सेटिस्फाइड. कॉलम टू बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम, ये सारे ही मेडिसिन में सपोर्ट चाहिए, सब में बैकअप प्लान चाहिए बट अलग अलग चीज़ का बैकअप प्लान चाहिए. लाइक बेरिलियम विथ समवन आई कैन डू बट ऑन माय ओन आई कैन नॉट, तो ये इसमें अटैच्ड है. रो टू इज अबाउट अटैचमेंट, तो अटैच्ड है उसको सपोर्ट चाहिए. मैग्नीशियम इफ आई टेल माय चॉइस आई विल बी लिफ्ट अलोन इंट्रोवर्ट, ये आइडेंटिटी का रो है इसीलिए वो अपना चॉइस किसी को नहीं बताएगा. अगर कोई पाँच लोग हैं, पाँच फ्रेंड्स हैं, कहीं पार्टी करने जा रहे हैं, चार लोग कोई सर्टेन फूड ऑर्डर कर रहे हैं, इसको कुछ और खाने का मन है बट फिर भी वो वही चीज़ मंगाएगा जो बाकी चार लोग मंगा रहे हैं ताकि वो लेफ्ट आउट फील ना करे, इसलिए ताकि वो मिक्सअप हो, लोग उसको छोड़ना दें. तो इसमें एक रूब्रिक भी है फियर ऑफ बीइंग फोर सेकेंड कि लोग उसको छोड़ना दें, वो अपने फैमिली से भी अपने फैमिली में उसको डर लगता है कि उसके घर वाले उसको घर से बाहर निकालना दें. तो इसमें ऑर्फन फीलिंग भी है कि लोग उसको अलग ना कर दें इसलिए सबसे वो मिक्सअप होना चाहेगा. दे आर इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट लिथियम भी है, इसके पहले लिथियम था वो भी है बट वो इंट्रोवर्ट है अपने आप में कि वो कुछ नहीं बोलता है. मैग्नीशियम का एक थॉट प्रोसेस है, वो एक्सप्रेस कर सकता है बट लोग उसको अलग ना कर दें, अपना बात रखे, तो इसीलिए वो इंट्रोवर्ट है. कैल्शियम आई एम सिक्योर इन अ नॉर्मल कंडीशन बट इफ़ देयर इज अ थ्रेट आई नीड सपोर्ट बैकअप, क्योंकि रो फोर जो है वो सिक्योरिटी का है, तो हम अपने घर पर हैं अच्छे से, हम अकेले घर पर रह सकते हैं बट घर पर कोई थ्रेट आया तो हमको एक बैकअप प्लान चाहिए. अगर फाइनेंशियली हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमको एक बैकअप प्लान चाहिए कि अगर मेरा बिजनेस डूबता है तो कोई उसको हेल्प करे, अगर हम घर में अकेले हैं तो कोई चोर आए तो कोई उसको भगाए, तो ऐसा एक बैकअप प्लान चाहिए. स्ट्रॉन्शियम नीड्स गाइडेंस टू लर्न द क्रिएटिविटी, तो सारे में सपोर्ट है, यहाँ पर क्रिएटिविटी का लाइन है इसलिए वो क्रिएटिविटी के लिए उसको गाइडेंस चाहिए. बेरियम आई कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का लाइन है बट टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी नीड टू डिपेंड अपॉन समवन, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो हमको किसी पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा क्योंकि अब ये सारा भार हम अकेले नहीं संभाल सकते हैं, थोड़ा बहुत रहेगा तो संभाल लेंगे, ज़्यादा होगा तो हमको किसी का हेल्प चाहिए. बोरोन देयर इज फियर ऑफ सेपरेशन, क्योंकि वो अब अलग होने वाला है प्लासेंटा मदर से इसलिए इसमें फियर ऑफ सेपरेशन बहुत ज़्यादा होगा, दैट्स वाई देयर फियर ऑफ हाइट. बोरोन में फियर ऑफ हाइट है, फॉलिंग फ्रॉम हाई प्लेसेस, क्रॉसिंग द ब्रिज, डिसेंडिंग डाउनवर्ड मोशन से प्रॉब्लम होता है बोरेक्स को, एंड वर्टाइगो ऑन लुकिंग डाउनवर्ड, यानी जहाँ भी सेपरेशन का फील आएगा वहाँ बोरोन को प्रॉब्लम होगा.
इवन दे हैव ड्रीम्स ऑफ फॉलिंग, उसको सपने में भी आएगा कि वो गिर रहा है, ये बोरोन का सिम्टम है. रूब्रिक है क्लिंगिंग चिल्ड्रेन ऑफ अवेक टेरिफाइड नो वन स्क्रीम क्लिंग टू दोज नियर. तो अपने मदर से वो बहुत ज़्यादा अटैच रहता है, मदर से क्लिंग करता है, यहाँ पे बोरिक्स है, दैट इज़ बोरोन. अटैच्ड वेरी मदर टू, बोरिक्स अपने मदर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है. कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट मदर और मदर लाइक स्ट्रक्चर. तो अपना लाइफ मदर या मदर लाइक स्ट्रक्चर के बिना सोच ही नहीं सकता, वो इतना ज़्यादा अटैच्ड है. कॉलम 13 इज अबाउट कन्फ्यूजन. तो बोरोन एल्युमिनियम गैलियम कन्फ्यूजन सारे में है, बट अकॉर्डिंग टू रो उसका कन्फ्यूजन का लेवल अलग अलग होगा. बोरोन कन्फ्यूजन अबाउट सेपरेशन, डू आई नीड टू होल्ड मदर स्ट्रांगली और आई हैव टू बी ऑन ओन. क्योंकि यहाँ पे अटैचमेंट का बात है, तो अब मदर से अटैच रहना है कि अब अलग होना है. एल्युमिनियम कन्फ्यूजन अबाउट आइडेंटिटी च्वाइस, शैल आई डू और शैल आई डिपेंड. एल्युमिनियम में आइडेंटिटी का कन्फ्यूजन है कि कोई एक जो उसको आइडेंटिटी बनाना है लाइफ में तो वो बनाए या फिर जिस तरह जैसे चल रहा है वैसे चलने दें, ये है. गैलियम इज रो ऑफ सिक्योरिटी, सो दिस कन्फ्यूजन ऑफ सिक्योरिटी, लाइक अगर घर में कोई चोर आ गया तो किसी को बुलाना है या नहीं बुलाना है, खुद से कुछ करना है, ये कन्फ्यूजन 13 रो में रहेगा. 14th रो जिसमें कार्बन है, इसका थीम है हाउ विल आई मैनेज, हाउ विल आई डू इट माई ओन. अब चूँकि हमको अलग होना है तो हम चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हम ये चीज़ें खुद से करेंगे. तो बहुत सारे मेडिसिन इसमें कार्बन है, कार्बोवेज, कार्बो एनिमलिस, पेट्रोलियम, क्रियोजोट, कार्बोलिक एसिड, डायमंड, ग्रेफाइटिस, और ये सारे में कहीं ना कहीं ये सारे सिम्टम आते हैं. कार्बन सिलिकन जर्मेनियम, कार्बन हाउ विल आई मैनेज और टैकल द सिचुएशन. क्योंकि जो उसका थीम है कॉलम 14 का, गिव अप एंड एक्सेप्ट चेंजेस. तो हम गिव अप कर देंगे, जो चेंजेस आएगा उस चीज़ से हम कैसे टैकल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे. सिलिकॉन कंसर्न अबाउट इमेज, व्हाट अदर पीपल थिंक्स, वो अपने इमेज को लेके, क्योंकि ये लाइन ऑफ आइडेंटिटी है तो अपने इमेज को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न रहेगा. आई नीड टू बी समवन स्पेशल देन आई विल गेट अफेक्शन. अगर वो कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो इस एग्ज़ाम में उसको टॉप करना है, अदरवाइज उसको क्लास में उतना वैल्यू नहीं मिलेगा. उसको अपना एक आइडेंटिटी बनाना है, फैमिली में उसको वैल्यू ज़्यादा मिलेगा इसलिए उसको एक्सेल करना है. इसलिए इसमें फिक्स्ड आइडियाज़ ज़्यादा होते हैं, फिक्स्ड ईगो होता है सेलेसिया में. जर्मेनियम इज अबाउट सिक्योरिटी, एंजाइटी अबाउट फैमिली, हेल्थ, चिल्ड्रेन. उसको अपने फैमिली को लेकर के, अपने हेल्थ, उनके फैमिली के हेल्थ को लेकर, चिल्ड्रेन को लेकर के बहुत एंजाइटी होता है. जैसे कोई पेशेंट है, उसको कैंसर हुआ है, वो कीमो पे चल रहा है, उसका मेडिसिन चल रहा है, एंड उसका सवाल रहेगा हाउ लॉन्ग वुड आई सर्वाइव. तो यहाँ पे एक होप है कि ठीक है हमको कैंसर है बट हम और कितना सर्वाइव करेंगे ताकि हम बाकी चीज़ों पर ध्यान दे सकें. जस्ट लाइक दैट, कोई वुमन है और उसका हस्बैंड उसको प्यार नहीं करता है बट उसको एटलीस्ट इस चीज़ का सेटिस्फैक्शन है कि कम से कम मेरे बच्चों के फादर जो हैं वो तो एटलीस्ट हैं. दैट्स व्हाई आई डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ डिवोर्स. सो गिव अप एंड एक्सेप्ट चेंजेस, कि जो है ठीक है अब हम इसी चेंजेस के साथ रहेंगे, उसको एक्सेप्ट करते हैं. ये कॉलम 14 है. कॉलम 15 इज अबाउट लॉस. तो स्ट्रॉन्ग नाइट्रोजन, स्ट्रॉन्ग ट्रैप्ड फीलिंग. नाइट्रोजन जो है वो गैस फॉर्म में होता है बट अगर जब मेडिसिन वगैरह बन रहा है तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना चाहता है, इसलिए इसमें क्लॉस्ट्रोफोबिया बहुत ज़्यादा है. स्ट्रॉन्ग ट्रैप्ड फीलिंग होगा, क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी कि क्लोज्ड स्पेस से उसको डर लगेगा. सफोकेशन होगा, लाइक पेरेंट, उसको लगेगा कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, उसको खुद से कुछ नहीं करने देते हैं. ये नाइट्रोजन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है. फॉस्फोरस, ये रो ऑफ आइडेंटिटी है. तो इसका आइडेंटिटी बहुत क्लियर है, इसका क्लियर कट च्वाइस है कि मेरे पेरेंट्स हमको नहीं समझते हैं, मेरे फ्रेंड्स हमको समझते हैं. दैट्स वाई दे आर स्ट्रेंज फ्रॉम फैमिली एंड मेक्स फ्रेंड्स इजिली. वो बाहरी लोगों से ज़्यादा अफेक्शन उसको मिलता है इसलिए वो बाहरी लोगों से ज़्यादा इन्वॉल्व होता है. वाट पेरेंट्स आर गिविंग अपोजेज, जो पेरेंट्स दे रहे हैं, जो पेरेंट्स कह रहे हैं, जो सजेस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को वो अपोज करेगा, इनफैक्ट और उल्टा करेगा. सो देर इज ओन च्वाइस ईगो, कि जो हमको सही लग रहा है हम वो करेंगे, चाहे वो करियर वाइज हो या फिर कहाँ पैसा लगाना है, तो ये सारी चीज़ों में. आर्सेनिक वांट टू डिपेंड बट देर इज़ नो वन, क्योंकि आर्सेनिक जो है वो सिक्योरिटी रो का है एंड कॉलम 15 जो है दैट इज़ अबाउट लॉस, इसलिए यहाँ पे एक लॉस का फीलिंग होगा. दे वांट टू डिपेंड ऑन समवन बट वहाँ कोई नहीं है. सेम चीज़ कॉलम 2 में भी है बट कॉलम 2 में क्या है कि वो किसी पर डिपेंडेंट होना चाहता है एंड वहाँ कोई है, वो किसी पर डिपेंडेंट हो सकता है, ये फीलिंग रहता है. बट आर्सेनिक को लगता है कि हमको किसी पर डिपेंडेंट होना चाहिए बट कोई है ही नहीं जिस पर कि हम डिपेंडेंट हो, इसलिए जो करना है
हमें वो करना है, दैट इज़ कॉलम 15। कॉलम 16, इट्स लाइक एक फिश है जिसको बाउल से बाहर निकाल दें तो जैसे वो छटपट छटपट करेगा उस तरह का ऑक्सीजन का फीलिंग रहता है। पहले वो मदर के उम्ब में था, अब वो आउटसाइड वर्ल्ड में है, इसलिए इस तरह चेंजेस रहेगा। जब वो उम्ब में था इट इज़ लाइक फिश इन वाटर, अब जब वो बाहर आया है इट्स लाइक फिश आउटसाइड वाटर इन एयर, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा छटपटाहट रहेगा। कम्फर्ट जोन था पहले जब वो मदर के उम्ब में था, अब अनकम्फर्टेबल सिचुएशन है। पहले मदर उम्ब में था, अब आउटसाइड वर्ल्ड में है, ऑक्सीजन है, इसलिए गैस्पिंग ऑफ एयर भी होगा। तो ऑक्सीजन के मेडिसिन में एस्मा का कंप्लेन, ये सारा चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। कॉलम 16, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। ऑक्सीजन में डेस्परेट सिचुएशन, वांट टू ब्रीद, कम आउट, ऑलरेडी इन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड ही वांट टू ब्रीद, तो वो आउटर वर्ल्ड में अब आया है, अब वो ब्रीद करना चाहता है। सल्फर इज़ आई नो बेटर दैन यू, उसमें फुलिश ईगो होगा, वो फुलिश टॉक करेगा, इसमें ईगो बहुत ज़्यादा होता है। ईगो बाकी मेडिसिन में भी है, जैसे कि फॉस्फोरस में था ओन चॉइस ईगो, इसमें फुलिश ईगो है। सेलेनियम इज़ अबाउट सिक्योरिटी, तो सेलेनियम इज़ फॉर इम्पोर्टेंट, फंक्शनलेस होगा, स्ट्रक्चर हैज़ लॉस्ट, क्योंकि धीरे धीरे जो स्ट्रक्चर है वो 15 में ही जो है वो लॉस्ट हो गया था, अब जो बच रहा है वो मेमरी है। सो स्ट्रक्चर हैज़ लॉस्ट इट्स यूटिलिटी कम्प्लीटली, लॉस ऑफ कैपेसिटी, एवर्शन टू वर्क, वीक मेमरी। तो सेलेनियम में है कि एवर्शन टू मेंटल, फिजिकल, किसी तरह का भी काम वो नहीं करना चाहता है, कैपेसिटी नहीं रहता है, तो ये बहुत वीक रहता है। इम्पोर्टेंसी के लिए भी सेलेनियम बहुत अच्छा मेडिसिन है, दैट इज़ ग्रुप कॉलम 16। ईगो वाइज देखा जाए रो 3 में तो सोडियम भी है, सिलिकॉन भी है, फॉस्फोरस भी है, सल्फर भी है, बट सोडियम के आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, बहुत सिंपल है, सो देर इज़ नो ईगो। सिलिकॉन फिक्स्ड ईगो कि हमको यही करना है, हमको एग्ज़ाम में एक्सेल करना है, अपने फैमिली में, क्लासरूम में अपना एक रेपुटेशन बनाना है। फॉस्फोरस ओन चॉइस ईगो कि हमको जो हमको सही लग रहा है वही करना है, एंड सल्फर हैज़ फुलिश ईगो। कॉलम 17 इंडिपेंडेंट होना चाहेगा, लाइक फ्लोरीन, वांट टू इंडिपेंडेंट फ्रॉम अटैचमेंट, वो किसी, क्योंकि कॉलम रो 2 जो है वो अटैचमेंट का है, तो फ्लोरीन हर तरह का अटैचमेंट से इंडिपेंडेंट होना चाहेगा। लाइक अगर कोई अनमैरिड है और वो किसी रिलेशनशिप में है तो वो रिलेशनशिप से इंडिपेंडेंट होना चाहेगा, ब्रेकअप चाहेगा। अगर कोई मैरिड है तो वो डिवोर्स चाहेगा। अगर कोई अपने पेरेंट्स के घर में रहता है तो वो अपने पेरेंट्स से इंडिपेंडेंस चाहेगा कि हमको रात में पार्टी करने दीजिए, अल्कोहल कंज्यूम करने दीजिए, तो दैट इज़ लाइक अ टीनेजर बिहेवियर। क्लोरीन, दे आर फील लाइक चीटेड इन लव एंड फाइनेंशियल मैटर, क्योंकि जो फेज है कॉलम 17 वो एंड पे आ रहा है, तो एंड के कारण धीरे धीरे जब अटैचमेंट खत्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक सैड भी रहता है, सैडनेस रहता है, डिस्पेयर रहता है, दैट्स वाई दे फील चीटेड। और इसलिए उसका जो ओरिजिनल जो पर्सनैलिटी था वो काफ़ी हद तक चेंज हुआ इस प्रोसेस में, दैट्स वाई दे फील चीटेड। दैट टर्म यू है चीटिंग इन लव, दे फील चीटेड, बिट्रायल है नैटमयूर में, दैट इज़ क्लोरीन। ब्रोमीन, वॉन्ट टू बी फ्री फाइनेंशियली, उसको इंडिपेंडेंट होना है, फाइनेंशियली होना है, क्योंकि कॉलम 4 जो है वो सिक्योरिटी के लिए है, तो इंडिपेंडेंट होना है फाइनेंशियली, या फिर इंडिपेंडेंटली किसी अपने घर में रहना है, फैमिली के साथ नहीं रहना है, दैट इज़ अबाउट सिक्योरिटी। रो 5 इज़ क्रिएटिविटी, आई फील चीटेड इन क्रिएटिविटी और गाइडेंस, यानी कि हमको कोई प्रॉपरली गाइड नहीं किया, क्रिएटिविटी में गाइड नहीं किया, तो ये इंडिपेंडेंस एंड अबंडन, ये सारे कीवर्ड्स हैं कॉलम 17 के। कॉलम 18, कंप्लीट, नो मोर इशू, अब उसको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पता, हर रो में जो जो पॉइंट था वो हर चीज़ से न्यूट्रल है। हीलियम, इनसाइड हिमसेल्फ लाइक ऑटिज़म, कॉलम 18 जो है स्पेशली हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारा ऑटिज़म के लिए, ADHD, ये सारे चीज़ों के लिए, वैसे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अपने ही लाइफ में रहते हैं, उन लोगों को किसी चीज़ का टेंशन नहीं होता है, दे फील सेटिस्फाइड। तो वैसे कंडीशंस के लिए इनर्ट गैसेस का एलिमेंट दिया जाता है। सो हीलियम, इनसाइड हिमसेल्फ, ऑटिज़म। नियॉन में कंप्लीट है, नो मोर इशू, कोई इशू नहीं है फ्रॉम रिलेशनशिप, अब उसको डिवोर्स का, शादी का, वो किसी भी चीज़ का उसको इशू नहीं है, उसके लिए अब चीज़ मैटर ही नहीं करता है। आर्गन, फ्री फ्रॉम आइडेंटिटी, वर्क, उसको अपने वर्क का नहीं पड़ा है, मोस्ट ऑफ द लोग जो होंगे वो अनएम्प्लॉयड होंगे, वो इन सब चीज़ों पे वेटेज अब देते ही नहीं है। क्रिप्टन, फ्री फ्रॉम सिक्योरिटी आइडियाज़ लाइक मॉन्क, तो सिक्योरिटी का आइडिया कि हमको लाइफ में पैसा चाहिए, ये पावर चाहिए, ये सारा चीज़ नहीं लगता है क्रिप्टन को, मॉन्क वाला फीलिंग होगा, क्योंकि अब ये सारी चीज़ों से वो न्यूट्रल हो चुका है, दैट इज़ कॉलम 18।
रो थ्री इज आइडेंटिटी, इट इज लाइन ऑफ आइडेंटिटी, ये टॉडलर स्टेज है. वांट न्यूट्रिशन, लव, पोजिशन, रिलेशन. तो न्यूट्रिशन का ये जो सारा फेज हुआ रो टू का, अब उसको लाइफ में बहुत कुछ चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, एक सर्टेन जॉब चाहिए, पोजिशन चाहिए. क्लियर अबाउट देयर प्रेफरेंसेज एंड चॉइसेज, वो अपने प्रेफरेंस को लेकर चॉइस को लेकर बहुत क्लियर है. टॉडलर स्टेज है तो हम ये कपड़ा पहनेंगे अपने ही पसंद का, रेड वाला टी शर्ट ही पहनेंगे, उस रेड वाले टी शर्ट का हम रेड कलर का ही ट्राउजर मैचिंग पहनेंगे, ये उसका चॉइस है. दे स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड व्हाट डजंट, ये मेरा टॉय है, ये आपका टॉय है, ये उसको अब पहचान कर सकता है. इन रो थ्री में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन. सोडियम जो है वो टोटली इसमें डिपेंडेंट है, क्योंकि कॉलम वन होता है तो ये टोटली डिपेंडेंट है. ये रो ऑफ आइडेंटिटी है तो इसमें आइडेंटिटी वाइज होगा. सोडियम टोटली गिव अप एवरीथिंग फॉर द अदर पर्सन, डिपेंडेंट. सोडियम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है किसी पे अपने किसी भी डिसीजन के लिए. मैग्नीशियम लेसर डिपेंडेंट फीलिंग ऑफ फोर सेकेंड, तो डिपेंडेंट है बट कम है, एंड फीलिंग ऑफ फोर सेकेंड कि लोग उसको घर से निकाल देंगे, अपने फ्रेंड ग्रुप से निकाल देंगे, उसको अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे, ऐसा फील होता है. एल्युमिनियम में कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन अबाउट आइडेंटिटी, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है. सिलिकॉन फिक्स्ड ईगो है, उसको किसी चीज़ में एक्सेल करना है एंड अपने इमेज को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है. फॉस्फोरस में है आई एम डिफरेंट, जैसे फॉस्फोरस की लेडी होती है वो बहुत खूबसूरत होती है, अगर 50 लोग भी हैं तो उसमें फॉस्फोरस को पहचानना आसान होता है. सो दे आर डिफरेंट, देर इज अ फीलिंग दैट आई एम डिफरेंट. जबकि सल्फर में है आई एम बेटर, फॉस्फोरस आई एम डिफरेंट, सल्फर आई एम बेटर, इसमें ईगो होगा, फुलिश ईगो. क्लोरीन फील बिट्रायल हर्ट सो वॉन्ट टू बी फ्री फ्रॉम देम, इंडिपेंडेंट होना चाहता है क्योंकि 17 ग्रुप का है, बिट्रायल का फीलिंग होता है. आर्गन कंटेंट है, अब उसके लिए आइडेंटिटी कोई इशू है ही नहीं. सोडियम में डिपेंडेंस बहुत प्रोमिनेंट है क्योंकि वो फर्स्ट कॉलम का है. दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन मदर लाइक स्ट्रक्चर, पार्टनर लाइक चॉइस ऑफ फूड, वो क्या खाएगा ये भी कोई और ही उसको बताएगा, क्या पहनना है, क्या परचेज करना है. जैसे कि कोई वाइफ है वो बोलेगी कि हाँ भाई किसी शादी में जाना है जो उसके लिए शॉपिंग करते हैं तो तुम खरीद लो हम वो पहन लेंगे, दैट इज़ डिपेंडेंस. दे फॉल इन लव विथ रॉन्ग मैन, मैरिड मैन, सीनियर, दे डिसाइड वॉट टू डू, क्योंकि डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है. सो द लेडी यूज टू फॉल विथ रॉन्ग मैन, जो कि ज़्यादा उससे मैच्योर हो, उससे सीनियर हो, जो उसको गाइड कर सके, जो उस पर डोमिनेंट हो सके. इमोशनली डिपेंडेंट, फेलियर इन लव, इंट्रोवर्ट, तो लवी है रॉन्ग मैन से तो फेलियर इन लव मिलेगा, और इंट्रोवर्ट अपने ही एक शेल में रहना चाहेगी क्योंकि फर्स्ट कॉलम है, दैट्स वाई दे आर इंट्रोवर्ट. रूब्रिक है नीड ऑफ अटेंशन, केयर, लव. अटेंशन में मैककाब है, मैग्नीशियम. अफेक्शन में डिजायर अफेक्शन, दैट इज फॉस्फोरस, तो भी ये भी इसी ग्रुप का है. फोर्थ रो इट इज़ अबाउट सिक्योरिटी एंड टास्क, तो इसमें इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगा. इसके लिए सही गलत बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. नीड टू हैव फैमिली, अब एक फेज आया अब उसको एक फैमिली चाहिए, दे वॉन्ट टू गेट मैरिड, उसको एक सर्टेन जॉब चाहिए, उसको लाइफ में अब स्टेबिलिटी चाहिए. जो एलिमेंट है फोर्थ ग्रुप वो जनरली डी ग्रुप का है, डी सीरीज का उसमें आता है, जो कि बहुत हार्ड होता है, टफ होता है. तो इसमें जैसे कि तो ये फोर्थ रो का जो होगा बाय नेचर भी ये हार्ड होगा, टफ होगा. फियर इनसिक्योरिटी है इसलिए फियर बहुत होगा, चोर का डर है, जानवर का डर है, डाकू का डर है, हर तरह का सिक्योरिटी का उसको डर रहेगा. वो पुलिस से भी डरेगा कि कहीं एक गलती कारण कोई पुलिस उसको क्रिमिनल ना समझ ले, उसको हर तरह का अटैक से डर लगेगा. रो फोर इज़ अबाउट सिक्योरिटी, सो पोटेशियम, इसमें सारे में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है बट अलग अलग है. एज इफ अगर घर में कोई चोर आता है तो कौन सा एलिमेंट किस तरह से बिहेव करेगा. पोटेशियम डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, चोर आ गया वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो कुछ नहीं करेगा. कैल्शियम सिक्योर इन अ नॉर्मल कंडीशन बट इफ़ देयर इज अ थ्रेट नीड सपोर्ट बैकअप, ठीक है हम घर पे अकेले रहते हैं बट अगर थ्रेट आया, चोर आया तो भाई उसको कोई चाहिए जिसको बुला करके लाए कि हाँ ये चोर को भगाओ. स्कैंडियम आई कैन डू इट और कैन आई डिपेंड ऑन समवन, क्योंकि उसमें उसको अपने कैपेसिटी पे डाउट है तो उसको नहीं पता है कि वो चोर को भगा सकता है या नहीं. वैनेडियम गोइंग अहेड एंड कमिंग बैक, क्योंकि ये प्रिपेयर का लाइन है, वो अभी प्रिपेयर्ड नहीं है चोर को भगाने के लिए, तो जाएगा फिर वापस आएगा, भगाएं या नहीं भगाएं. क्रोमियम आई हैव टू टेक रिस्क इवन दो आई एम नॉट प्रिपेयर्ड इनफ,
तो हमको रिस्क लेना पड़ेगा ऐसा क्रोमियम को लगता है। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं है, बट जाना पड़ेगा। कोबाल्ट, आई कैन डिफेंड बट आई डाउट वेदर आई कैन प्रोटेक्ट कम्प्लीटली और नॉट, क्योंकि ये 9 ग्रुप है, 9 ग्रुप इज़ नियर परफेक्शन, ये परफेक्ट नहीं है, नियर परफेक्ट है, इसलिए उसको डाउट लगता है कि वो डिफेंड कर भी पाएगा या नहीं। निकल, दैट इज़ परफेक्शन सक्सेस रूल, तो निकल को लगता है आई एम सक्सेसफुल इन प्रोटेक्शन, हाँ अगर चोर आता है तो उसको हम अपने घर को अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इवन उसको फील होगा लाइक वो एक पुलिस है, ये उसका ड्यूटी है चोर को भगाना, तो ये उसमें इतना कॉन्फिडेंस रहेगा। कॉपर जो 11 ग्रुप है, दैट इज़ मेंटेन टू टाइम अटैक स्पैजमोटिक, वो टाइम टाइम पे उसको अलर्ट रहेगा कि कहीं चोर आ ना जाए। जबकि जिंकम में डिफेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दे आर डिफेंसिव ऑल द टाइम, हमेशा अलर्ट रहेगा। कॉपर में कभी कभी रहेगा, जिंकम हमेशा अलर्ट रहेगा कि अगर चोर आया तो उसको भगाना होगा। जर्मेनियम 14 ग्रुप का है, जो कि गिव अप कर देता है और चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेता है। जर्मेनियम, थीव्स हैव ऑलरेडी इन हाउस, हाउ मच कैन आई प्रोटेक्ट, हम क्या ही कर लेंगे अब अगर चोर आ गया तो, हम कुछ नहीं कर सकते तो ये गिव अप का फील है। आर्सेनिक, वॉन्ट टू डिपेंड बट देर इज नो वन, क्योंकि देर इज आर फीलिंग ऑफ लॉस, वो किसी पर डिपेंडेंट होना भी चाहेगा तो नहीं हो सकता है, अब जो भी करना उसको खुद करना है। ब्रोमियम, टोटली इनसिक्योर, 17 ग्रुप है, कम्प्लीट से जस्ट पहले है, सो टोटली इनसिक्योर एंड कम्प्लीटली अलोन टू फेस द डेंजर, उसको पता है कि उसको खुद ही करना है। आर्सेनिक डिपेंड होना भी चाहता है, ब्रोमिन नहीं हो चाहता है, वो किसी चीज़ को इंडिपेंडेंटली करना चाहता है। क्रिप्टन, आई कैन प्रोटेक्ट विदाउट एनी वन हेल्प, उसको किसी का हेल्प नहीं चाहिए क्रिप्टन को, क्योंकि वो 18 ग्रुप का है, उसको लगता है कि हाँ वो प्रोटेक्ट कर लेगा बिना किसी के हेल्प का। रूब्रिक है इनसिक्योरिटी, आर्सेनिक है, कैल्केरिया है, कैल्केरिया आयोड, हीपर वो भी कैल्शियम है, कैलिकार्ब तो पोटेशियम भी है, कैल्शियम भी है, तो ये सारा इनसिक्योरिटी में है। डेल्यूजन, इमेजिनेशन क्राइम कमिटेड ही है, उसको ऐसा लगेगा कि वो कोई क्राइम कमिट किया है, क्योंकि इनसिक्योरिटी है, उसको डर है कि पुलिस उसको बिना मतलब का पकड़ के ना ले जाए, तो ऐसा फील होगा। दैट इज़ कैलिब्रोम, जिंकम ऑक्सीडेटम, एज इफ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, तो उसमें गिल्ट भी होता है। डेल्यूजन, इमेजिनेशन तो ऑफ मनी, तो उसमें मनी का डेल्यूजन रहेगा। आई वॉन्ट टू हैव माई ओन मनी, इसमें ओन ईगो है, अपना चीज़ चाहिए उसको लाइफ में, अपना मनी, अपना घर, वाइफ, कार, बच्चे, इंश्योरेंस इज ऑल्सो अ सिम्बल ऑफ सिक्योरिटी सपोर्ट, वो किसी तरह का हो सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकता है, फैमिली का भी सपोर्ट हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें उसको अपने लाइफ में चाहिए। सपोर्टिंग अ पार्ट एमुलेशन, तो चूंकि उसको सपोर्ट चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो या फैमिली का सपोर्ट हो, दैट इज़ कैल्शियम, कास्टिकम, फेरम, हीपर, कैलिका, तो ये सारा इसी ग्रुप का है। अगर कोई होम्योपैथिक फिजिशियन है, वो अगर प्रैक्टिस करना चाहता है, तो 4 जो है वो सिक्योरिटी का है, तो अलग अलग कॉलम वाइज अलग अलग फीलिंग होगा। पोटेशियम, आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन फादर फॉर माई प्रैक्टिस, यानी कि अगर हमको प्रैक्टिस करना है तो अपने फादर क्लिनिक पे बैठेंगे या अपने फादर को बगल में बैठा करके रखेंगे ताकि कोई भी पेशेंट आया तो वो देखेगा। कैल्शियम, आई कैन डू इट बट आई विल सेंड डिफिकल्ट केसेज टू फादर और टीचर, यानी कि अगर कोई हार्ड केसेज आए, डिफिकल्ट केसेज आए जो उससे नहीं ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पे बैकअप प्लान चाहिए, तो वैसे केसेज को या तो अपने फादर को भेज देगा, अपने टीचर को, अपने सीनियर्स को भेज देगा। स्कैंडियम, कैन आई डू इट और बेटर टू गिव द डिफिकल्ट केसेज टू समवन एल्स, कैल्शियम में था कि जहाँ डिफिकल्ट केस आया किसी को भेज दिया, स्कैंडियम में है कि वो डिफ़िकल्ट केस को ठीक कर सकता है या नहीं, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है तो वो कर सकता है या नहीं, ये स्कैंडियम का रहेगा, क्योंकि उसको अपने कैपेसिटी पर डाउट होता है। एंड टाइटेनियम इज अबाउट इस्टेब्लिश, सो आई वॉन्ट टू बी होम्योपैथ, क्लियर डिसीजन, उसको पता है कि हाँ हम करेंगे, हमको क्लिनिक चलाना है, अपने बुद्धि चलाना है। कॉलम 9 में कोबाल्ट भी है, इरिडियम भी है, ये जो कॉलम है वो नियर परफेक्शन है, तो इसमें एंजाइटी बहुत ज़्यादा होगा कि कहीं कोई गलती नहीं कर दे, क्योंकि कॉलम 10 जो है वो सक्सेस का लाइन है। तो कोबाल्ट जो कि रो ऑफ सिक्योरिटी है, डेल्यूजन, ही हैज़ डन समथिंग रॉन्ग थिंग, ही इज़ क्रिमिनल एंड पीपल नो अबाउट हिम, तो इसमें सिक्योरिटी का डर है कि लोग उसको किसी गलत चीज़ में ना फंसा दें। एंड इरिडियम, आई एम नियर सक्सेस, वॉट इफ़ आई मेक अ मिस्टेक और नॉट सक्सेड, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का लाइन है, अगर एक गलती हुआ तो उसको वो सर्टेन पोस्ट नहीं मिलेगा, वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएगा, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका बाकी जो लाइफ में उसको कार चाहिए, घर चाहिए, उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको गलती करने से बहुत ज़्यादा डर लगेगा।
फिफ्थ रो इज सिल्वर सीरीज, इज अबाउट क्रिएटिविटी एंड परफॉर्मेंस. तो इसमें परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हाई परफॉर्मेंस होगा, डूइंग समथिंग न्यू सो पीपल विल अप्रिशिएट, कुछ अलग करना चाहेगा ताकि लोग उसकी तारीफ करें. जैसे सिल्वर कलर, सिल्वर कलर ही अपने आप में बहुत अलग है, डिफरेंट है. टू मच कंसर्न अबाउट सक्सेस, इसको सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होगा. इसके लिए अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि अर्जेंटम मेटेलिकम, उसमें वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉइस के लिए मेडिसिन है. स्ट्रॉन्शियम, सारा रोज जो है वो क्रिएटिविटी का है. स्ट्रॉन्शियम टू है, दैट इज दैट नीड गाइडेंस, सो दे नीड गाइडेंस टू लर्न द क्रिएटिविटी. पैलेडियम 10 है, सक्सेस है, इसको क्रिटिक्स नहीं चाहिए, इसको बस अच्छा अच्छा तारीफ चाहिए. द डिजायर्स गुड ओपिनियन, हमको अच्छा बात बताओ, बुराई मत करो मेरा, क्योंकि वो सक्सेस वाले फेज पे है, सुपीरियरिटी फेज पे है. 11 सिल्वर, यहाँ पे मेंटेन करना है. मेंटेन करने के लिए जितना वो सक्सेस नहीं किया था उससे ज़्यादा वो मेंटेन करने में मेहनत करेगा. सो मेंटेन टू बी बेस्ट, अगर कोई टॉप करता है एग्ज़ाम में तो वो कंटिन्यू पढ़ाई करेगा ताकि उसका सीट को यौर ना ले जाए, हमेशा उसका रैंक को यौर ना ले जाए, वही हमेशा टॉप करे. सो मेंटेन टू बी बेस्ट, वर्क्स हार्ड, पीपल शुड अप्रिशिएट हिज स्टफ. स्टैनम, लूजिंग द स्ट्रक्चर वीकनेस, क्योंकि ये गिव अप का फेज है, तो धीरे धीरे वो ये सारा फेज जो है वो लूज करता जाएगा, उसमें वीकनेस बहुत प्रोमिनेंट है. क्रिएटिव में स्टैनम एंड स्टैनम आयोड. सिक्स्थ रो इज गोल्ड सीरीज, दैट इज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ऐसे लोगों को पावर चाहिए, ये पावर का रो है. पावर, लीडरशिप, मैच्योरिटी, डिक्टेटरशिप, उनको पावर चाहिए ताकि हम लोगों पे रूल कर सकें. तो ऐसे लोग जनरली लीडर बनते हैं ताकि वो डिसीजन ले सके. पोस्ट वाइज जो कंपनी के सीईओ होते हैं, जो क्रांतिकारी टाइप के लोग होते हैं, वो ऐसे होते हैं, फील लाइक अ रूलर, कि वो रूल करें, लाइक प्लैटिना, गोल्ड, मरकरी, ये सारे रूलर जैसे हैं. अब इतना ज़्यादा पावर है तो उसका अपोजिट भी होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है तो सेंसेशन ऑफ हेवी लोड भी होगा. कैंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लिए हैं तो हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं. सो दे कांट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन. पीपल का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा एक्सपेक्टेशन का, और वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ, देन देर विल बी डिस्पेयर, नो होप, तो होप नहीं रहेगा क्योंकि धीरे धीरे वो सैड हो रहा है, तो वो सिफिलिटिक फेज में चला जाएगा. प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी, ये सारे सिफिलिटिक मेडिसिन हैं. कॉलम 5 नीड अ गाइड, कॉलम 6 बिकम अ गाइड, क्योंकि उसको रूल करना है. सो कॉलम 6 जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गाइड बनेगा. तो कॉलम 6 वाइज देखा जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी में, बेरियम में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, बट कोई अगर दिक्कत हुआ तो हमको एक बैकअप चाहिए. ऑस्मियम, आई विल वर्क हार्ड अगेंस्ट डिफिकल्टी, क्योंकि जो ऑस्मियम है 8 है, वो फाइट करना चाहता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और चीज़ों से फाइट करेगा. 9 इरिडियम, वो परफेक्शन के नज़दीक है तो वो सक्सेस चाहेगा, कोई गलती नहीं हो वरना फिर दिक्कत हो जाएगा. प्लैटिनम सक्सेसफुल है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है. एंड देन मरकरी है 12 ग्रुप का, जो कि डिफेंड करेगा, तो डिफेंड के कारण, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, तो देयर इज डिल्यूजन सराउंडेड बाई एनिमीज, ऑलवेज हैव टू बी अलर्ट. उसको लगेगा कि वो दुश्मनों से घेरा हुआ है, लोग उसका पोस्ट हथियाना चाहते हैं, उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो इसलिए हमेशा वो अलर्ट रहेगा. एंड प्लम्बम इज अबाउट गिविंग अप. रो 7 यूरेनियम सीरीज है, लेटिंग गो. जो रो 7 है वो रेडियो एक्टिव है, उसका मास धीरे धीरे करते ख़त्म होता जाएगा. ये ओल्ड एज को रिफ्लेक्ट करता है कि स्ट्रक्चर जब वो टूट रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो ये इसका ये पावर चाहिए, बट ये लोगों को हेल्प करने के लिए चाहिए, बियॉन्ड लीडरशिप. ये यूनिवर्सल हेल्पर होगा, लोगों को हेल्प करना चाहेगा, साधु टाइप का लोग होगा. सपने में भी बीमारी, टर्मिनल इनक्यूरेबल डिजीज आएगा, कैंसर, डेथ. ओल्ड एज है सो दे वॉन्ट मेडिटेशन. अटैचमेंट बहुत कम चाहिए, डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा होगा, सारे मोहमाया से दूर, डिप्रेस्ड एंड होपलेस. यूरेनियम ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फैमिली. किसी को कैंसर है, अगर वो यूरेनियम का पेशेंट है, वो मरने वाला है, बट वो ये सोचेगा कि मेरे बाद मेरे फैमिली का क्या होगा. उसको अपना नहीं पड़ा है, उसको अपने फैमिली का ज़्यादा पड़ा है. सो देयर ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज फैमिली. सो रो 6 पावर फॉर हिमसेल्फ, एंड रो 7 पावर टू हेल्प. वहाँ पर वो हेल्प करना चाहता है. 6 में अपने लिए पावर चाहिए ताकि हम नाम कमाएं, 7 में पावर चाहिए ताकि वो लोगों की हेल्प करें, सो दैट दे कैन बी यूनिवर्सल हेल्पर. ये जो पूरा वेबिनार था, दैट वॉज एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्टर राजन संकरन. उनके कुछ बुक्स हैं, सेंसेशन इन होम्योपैथी, संकरन स्कीमा स्ट्रक्चर, एंड जे शेल्टन का सीक्रेट लेंथ नाइट्स. थैंक यू फॉर योर टाइम. धन्यवाद आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था. थैंक यू सर. और डॉक्टर अहमद हुसैन ने
कमेंट किया था, पूछा था कि ये कोई किताब है, तो आपने तो रेफरेंस बता ही दिया है, जॉन स्केल्टन, जर्मी चेर और ये क्या कहते हैं डॉक्टर शंकरन, इस पर बहुत ज़्यादा काम किए हैं और उनके काम का अच्छा प्रेजेंटेशन रहा है और ये उनको काफ़ी अच्छा से इसको एक्सप्लेन किया। जहाँ तक कि आपने इसको एक्सप्लेन किया बड़ा अच्छा है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन पर बना हुआ है, yes, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होता है कि आउटर सर्कल में, आप बाहर वाले सर्कल में कितना इलेक्ट्रॉन है वो डिपेंडेंट होता है। जैसे कि हाइड्रोजन के आउटर सर्कल में एक ही इलेक्ट्रॉन तो वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव होगा, और जिसका जो ज़्यादा सैचुरेटेड होगा वो आपको ज़्यादा सैचुरेटेड होगा वो आपको उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा। और जनरली आप देखेंगे कि कंपाउंड और एलिमेंट में अंतर हो जाता है, तो एलिमेंट का जो मेडिसिन है, एलिमेंटल मेडिसिन के विषय में आपने बताया। दूसरा बात जो है कंपाउंड में, जैसे आप सोडियम क्लोराइड, सोडियम तो आपने बोला कि काफ़ी वो ये एस्टैब्लिश है, तो क्लोराइड के साथ मिल करके उसमें एक्टिविटी आती है। ये चीज़ को हम लोग को कंपेरेटिव स्टडी में समझने के लिए, दवा का कंपेरेटिव स्टडी के लिए बहुत ही अच्छा है, और मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस पर थोड़ा सा मनन करें, ये चिंतन का विषय है। बहुत लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कॉमेंट्स तो आ रहे हैं कि वंडरफुल प्रेजेंटेशन मैम, थैंक यू फॉर द नाइस प्रेजेंटेशन, ये अच्छे कॉमेंट्स हैं और ये काफ़ी आपने बढ़िया से बताने का कोशिश किया है, और मुझे लगता है कि ये हम लोगों को और भी ज़्यादा इस पर एक सेशन का जरूरत पड़ेगा। अगर आप अंग्रेजी सेशन में आना चाहेंगी तो अंग्रेजी में आपको केवल टॉक देना होगा, तो अगर आप उसके लिए तैयार हो तो मैं मुझसे बात कर लेंगे, ओके? यस सर, श्योर सर, आई विल। हाँ ओके, देन हम लोग आपको अंग्रेजी सेशन से मिलाएंगे। मुझे लगता है कि और कोई सवाल नहीं है, अगर कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में कृपया लिखे, हम लोग के पास में अब समय खत्म हो रहा है इसलिए मैं कॉमेंट के लिए किसी को अलाउ नहीं करूँगा, वर्बल वॉइस कमेंट के लिए अलाउ नहीं करूंगा, और क्योंकि हम लोग का समय अब सीमित है, 4 मिनट बचा है, तो एनी क्वेश्चंस यू टू हैव, आप अपना अगर सवाल है तो हाथ उठाइए। डॉक्टर टी एन श्रीधर सर, आप अपने आप को बताइए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर वैदेही कुमारी गुप्ता, इट वॉज वंडरफुल, बहुत बढ़िया था, तो yes, आप अंग्रेजी सेक्शन पे भी आ जाइए, साहब को बात करिए, बहुत बढ़िया था, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद, ओके, थैंक यू सर। ओ आई थिंक दिस सेशन इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड एंड आई सी डॉक्टर हुबर्ट हियर, है ना, ही रेडी टू सर, आर यू फॉर द डॉक्टर हुबर्ट, यू आर फॉर द इंग्लिश सेशन, या 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 Yes. Okay, I'll make to the host there, and then okay. We have 3 minutes more left with Dr. Hubert. Okay. Okay. Thank then, you. Then I will hand over to you. So let me complete this for the three minutes. Any other questions? One question is, what about the remedy affinity app for column and skin blood bone? Badriji, आपके लिए एक अच्छा सवाल है। चैट बॉक्स आप देख सकती हैं, व्हाट अबाउट द रेमेडी एफिनिटी एज पर कॉलम एंड स्किन ब्लड, आप इस पर संक्षेप में जवाब दीजिए। तो जैसा सिम्टम है, यस सर, जैसा सिम्टम है उसके बेसिस पे लाइक वो फेज कैसा है, जैसे एज का बताया कि एज का ये अलग अलग कॉलम का अलग मेंटली वो कैसा है, एंड फर्दर सर आप ही बताइए। सानी सर, देखिए वैद्य जी ने इस पर बहुत डिटेल्स में बताया है कि जो स्किन हो या ब्लड हो, ये तो आपका एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन की बात करी, लेकिन जो कि माइंड का जो लेकर के इन्होंने बेसिकली माइंड के माध्यम से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है, तो माइंड का काउंटर पार्ट के रूप में फिजिकल बॉडी को माना जाता है, इसीलिए मेंटल इम्पैक्ट को हम लोग फिजिकल इम्पैक्ट पर देखते हैं, इसीलिए इसको हम लोग को ज़्यादा ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इसका स्किन कैसा होगा। जैसे आप देखिएगा हाइपर अगर सेंसिटिव स्किन होगा तो वो आपका उसी होगा, कुछ स्किन होता है डल होता है, इनर्ट होता है,
उसी तरह से ब्लड जो है बोन होता है, बोन काफी स्ट्रांग बोन होगा, फिर या तो ऑस्टियोपोरोटिक बोन होगा, ये सारे फैक्टर्स जो है सब मिलकर के आपको दवा का इंडिकेशंस करता है। और आप देखिएगा कि कैसे एज के साथ में भी इन्होंने रिलेट किया है, ये एज के साथ में, तो ये अपने आप में हम लोग को दवा का सिलेक्शन करने के लिए भी हम लोगों को, जैसे किसी जैसे बराइताकार का इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहे थे, तो बराइताकार को जनरली हम लोग बच्चे की दवा समझते हैं, लेकिन बराइताकार तो बूढ़े भी होते हैं, तो ये एज फैक्टर नहीं है। एक जैसे हम लोग कहते हैं लड़की जो है तो लड़का के जैसा दिखलाई पड़ता है, लड़का लड़की के, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़की और लड़का की बात है, उसमें उसका कैरेक्टर कितना है, उसका कैरेक्टर कितना है, तो चाइल्डिश कैरेक्टर कितना है। उसी तरह से आपका जैसे स्किन होगा तो इन ग्रोइंग स्किन होगा, माने कि बहुत ज्यादा डेवलपिंग होगा, जल्दी फास्ट हीलिंग होगा, वैसा स्किन होगा ग्रुप में। और अगर उसका ब्लड होगा तो जल्दी कॉगुलेट कर जाएगा या कॉगुलेट नहीं करेगा, ये फीचर्स जो है तो आप इसके अर्थ पर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इस पर अध्ययन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, तो मुझे लगता है कि आपको इसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन हो सकता है। मैं ये क्योंकि ये सेशन हम लोग के सेशन में ये पहला बार ये प्रेजेंटेशन हुआ है पीरियोडिक टेबल पर, और मैं भी इसके विषय में काफी उत्साहित था, क्योंकि डॉक्टर संकरन का लेक्चर्स और डॉक्टर संकरन की किताबों को भी मैंने काफी पढ़ा है, जैन स्कॉल्टन को भी पढ़ा है, तो ये इस संदर्भ में इन्होंने जो संक्षेप में बताने का कोशिश किया, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल स्टडी है और पीरियोडिक टेबल का, तो केमिस्ट्री और साइकोलॉजी का जो रिलेशनशिप है आप यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के माध्यम से देख सकते हैं, यानी कि माइंड एंड बॉडी का जो रिलेशनशिप है उसको भी आपको पीरियोडिक टेबल के माध्यम से समझा जा सकता है। तो इसके साथ में प्रवीण जी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद, आप इसी तरह से आते रहिए और हम लोग के सेशन में, और ये हम लोगों का हिंदी सेशन समाप्त होता है और मैं माइक को हैंड ओवर करता हूँ आपको डॉक्टर डॉक्टर हुबर्ट को। सो नाउ इट इज टाइम फॉर यू डॉक्टर हुबर्ट टू टेक ओवर द सेशन एंड आई दिस हिंदी सेशन इज कंप्लीटेड। थैंक यू सर। Good morning, good afternoon, good evening to all.